सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग मेथड्स में डॉक्टर बेस्ट मेथड। दोस्तों, डॉक्टर बेस्ट मेथड के बारे में पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये कौन थे। ये बंगाल में एक विश्वविद्यालय में शिक्षा निदेशक थे और इन्होंने इंग्लिश विषय के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और उसी के आधार पे इन्होंने जो अपना मेथड बनाया उसका नाम डॉक्टर बेस्ट मेथड रखा गया। तो दोस्तों, डॉक्टर बेस्ट मेथड में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसको कितना महत्व दिया गया और इन सभी के बारे में हमको जब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तब इन सभी के बारे में हमको जानकारी होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन सभी के बारे में बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर बेस्ट मेथड। डॉक्टर बेस्ट मेथड ये दिया गया था डॉक्टर एम पी वेस्ट के द्वारा और इन्होंने फोकस किस चीज पर किया था। मेन फोकस था इनका रीडिंग हैबिट डेवलप्स। रीडिंग हैबिट डेवलप्स इन्होंने क्यों किया, क्योंकि हमारे इंडिया में आप सभी लोग जानते हो हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में जैसे हिंदी तो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं लेकिन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं भी है। जैसे महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप साउथ में जाओगे तो लोग अलग 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 राज्यों के लोग कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। तो हमारे देश में इंग्लिश को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में लाना इम्पॉसिबल की तरह है कि मतलब सभी लोग एक साथ जब इंग्लिश बोलेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे उसमें। तो इस तरीके से इन्होंने इन्होंने सोचा कि किस तरीके से इंग्लिश बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे आसानी से उस भाषा को सीख लें। अब बच्चा बोल तो पा रहा, मान लीजिए बच्चा किसी दुकान पर कोई सामान लेने गया तो अब दुकान पर सामान लेने गया तो दुकानदार से इंग्लिश में तो वो बोलेगा नहीं, वो हिंदी में ही बोलेगा जो भाषा वो आसानी से समझ ले, या जिस भी भाषा में, मान लीजिए गुजरात का है तो गुजराती भाषा में बोलेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए जिस भी राज्य का बच्चा है वो जो भी सामान लेने गया जिस भी भाषा में वो बोल रहा है, वहां की चाहे गुजरात का है गुजराती में बोल रहा है या हिंदी में ही बोल रहा है, तो आप हिंदी तो समझ जाओगे, आपके आपके देश में हिंदी भाषा बोली जाती है मैक्सिमम राज्यों में। इसके अलावा आपके राज्य की भाषा भी आप समझ जाओगे। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या बिहार में रह रहे हो तो आप भोजपुरी भाषा आसानी से समझ जाओगे। तो इस तरीके से जहां पर इंसान रहता है वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होती है और जो उस देश की भाषा होती है उसको लोग समझ जाते हैं। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए इसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, लोगों को समझने में भी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि किस तरीके से बच्चों को इंग्लिश भाषा को सिखाया जाए जिससे बच्चे आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख लें। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिंग हैबिट डेवलप किया बच्चों में कि अब बच्चा बोल तो पा नहीं रहा लेकिन बच्चा पढ़ तो सकता है, इंग्लिश को पढ़ करके तो अधिक से अधिक सीख सकता है। तो इन्होंने रीडिंग हैबिट डेवलप की। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज अवर विजन। इसका मतलब है कि जो इंग्लिश भाषा है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि जो इंग्लिश भाषा है वो क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैक्सिमम देशों में इंग्लिश भाषा ही लोग बोलते हैं और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल भाषा के रूप में सभी देशों में बोली जाती है। और अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि जो इंग्लिश है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अच्छा करती है और ये सबसे अच्छा मीडियम भी है कम्युनिकेशन का और हमारे विजन को भी बढ़ाने का। हमारे विजन का मतलब है कि हमारे नजरिए को बढ़ाने का। जब हमको इंग्लिश भाषा आएगी तो हम दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर भी वहां के लोगों का रहन सहन, वहां की संस्कृति को सब कुछ समझ पाएंगे और लोगों से बात भी कर पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश भाषा पर इन्होंने जोर दिया, लेकिन कैसे जोर दिया कि हम आसानी से पढ़ करके इंग्लिश भाषा को सीखें। तो डॉक्टर बेस्ट मेथड ये आप याद रखिएगा कि इन्होंने किस पर जोर दिया है, रीडिंग हैबिट पर जोर दिया है। ये यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि डॉक्टर बेस्ट मेथड दिया किसने था और
इस पर फोकस किस चीज पर किया गया है? अब देखिए, रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, यानी कि आप जितना अधिक से अधिक पढ़ोगे उतना आप उतने कम से कम समय में आप सीखोगे। तो यहाँ पर रीडिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन का मतलब है कि आप खुद के ट्यूटर हो, आप अपने आप को ही सिखाओगे, आप जितना पढ़ोगे आप उतना सीखोगे। आप देखिए, जो टीच रीडिंग एबिलिटी होती है, टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, वो दो प्रकार की होती है, ओरल और साइलेंट। ओरल का मतलब मौखिक रूप से बोल बोल कर पढ़ना। अगर कोई चीज लिखी हुई है, या तो आप उसको बोल बोल कर पढ़ोगे या तो आप उसको मन में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर वही चीज कही गई है कि इन्होंने क्या कहा है कि चाहे ओरल या फिर साइलेंट, अगर आप बोल बोल कर पढ़ोगे तो बोल बोल कर पढ़ने में क्या फायदा होगा? आपको भी पता है, बोल बोल कर पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, जितने अच्छे से आप उसको बोल करके, प्रोनाउंसिएशन करके आप उसको पढ़ोगे, उतनी ही आपकी भाषा शुद्ध होगी। जैसे जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं तो उनको ओरल पढ़ना सिखाया जाता है, ताकि उनका जो उच्चारण है, हर एक शब्द को पढ़ने का जो उच्चारण है, वो उच्चारण उनका सही हो। और फिर बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो साइलेंट रीडिंग करने लगते हैं, यानी कि अपने मन में ही लिखी हुई चीजों को पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज बताई है कि दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या अच्छाइयां हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड के, इसको आपको ध्यान से देखना है। डॉक्टर वेस्ट मेथड में सबसे पहले अच्छाई क्या है? इट प्रमोट्स रीडिंग, ये रीडिंग को प्रमोट करता है। इसका मतलब डॉक्टर वेस्ट मेथड रीडिंग पर, पढ़ने पर अधिक फोकस देता है। अब देखिए, डेवलप रीडिंग हैबिट, आपके अंदर पढ़ने की हैबिट पैदा होती है, यानी कि आदत। आप जितना अधिक से अधिक पढ़ोगे आपको उसकी एक तरीके से लत लग जाएगी कि आप बिना पढ़े रह नहीं पाओगे, तो यहाँ पर ये कहा गया है। अब देखिए, स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल्स, यानी कि अभी आपने देखा था ग्रामर ट्रांजिशन मेथड में कि आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे से आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप जितना अधिक से अधिक इंग्लिश विषय को पढ़ोगे उतने अधिक से अधिक आप कहाँ पर नाउन का यूज हुआ है, प्रोनाउन का यूज हुआ है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है, जिसका भी यूज हुआ है, कहाँ पर कॉमा है, फुल स्टॉप है, आप सभी के बारे में आसानी से खुद से समझते हुए चलोगे। आपको अलग से ग्रामर के रूल्स समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना पढ़ोगे आप उतना सीखोगे। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि अलग से ग्रामर के रूल्स को थोपा नहीं जाता बच्चों के ऊपर, बच्चे खुद ही पढ़ करके सीखते जाते हैं। अब देखिए, डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, यानी कि जब आप पढ़ने लगोगे तो आपका अंग्रेजी साहित्य में आपको रुचि पैदा हो जाएगी पढ़ने की, ये पढ़ने की रुचि पैदा कर देगी, तो आप कोई भी किताब बिना पढ़े पूरा उसको रह नहीं पाओगे। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि ये पढ़ने की एक एबिलिटी पैदा कर देता है, कौन? डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसके बाद है इनहेंस वोकेबुलरी, इसका मतलब है आप जितना पढ़ोगे उतना अधिक से अधिक नए वर्ड्स को भी सीखते जाओगे, आपकी वोकेबुलरी जो है, आपका शब्दकोश जो है, वो बढ़ता हुआ जाएगा। इसके बाद है नो टीचर रिक्वायर, यहाँ पर बच्चे को पढ़ना ही तो होता है, अगर केवल बच्चे को पढ़ना है तो बच्चा खुद से भी पढ़ लेगा। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर, नो टीचर रिक्वायर। जब बच्चे को केवल पढ़ना है तो वो खुद से भी पढ़ सकता है। अब इस तरीके से ये सब हो गए डॉक्टर वेस्ट मेथड के मेरिट्स, क्या क्या अच्छाइयां थी। अब कुछ ना कुछ कमियां निश्चित रूप में सब में होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। तो चलिए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसमें सबसे पहली जो डीमेरिट है वो यही है कि अभी मैंने बार बार कहा कि इसमें केवल पढ़ने पर जोर दिया जाता है। अगर आपको किसी भाषा को सीखना है तो आपको स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन सब पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। तो स्पीकिंग यानी कि बोलने को, लिखने को और सुनने को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, केवल रीडिंग पर ही फोकस किया जाता है डॉक्टर वेस्ट मेथड में। और इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा डिमेरिट, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ, पढ़ रहे हो इंग्लिश का कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कठिन वर्ड नहीं होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो जिनको समझने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, आप कैसे समझोगे? अगर मान लीजिए पूरा एक एक सेंटेंस आपको सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए तो आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा टीचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना टीचर की आवश्यकता के बहुत सारी चीजें बच्चा नहीं समझ पाएगा खुद से पढ़कर, तो यहाँ पर ये इसीलिए अंडरस्टैंड नहीं कर पाता बच्चा।
अब देखिए थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि बच्चे को अकेले पढ़ना होता है, अकेले पढ़ना होगा तो निश्चित रूप से वो बोर हो जाएगा, खुद से ही पढ़ना रहेगा, खुद से ही समझना रहेगा, तो इस तरीके से पढ़ाई थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, देखिए वही चीज है कि टीचर की जरूरत तो पड़ेगी कुछ मीनिंग्स को समझाने की, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें टीचर के द्वारा भी बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर डीमेरिट्स जो आपने देखा डॉक्टर वेस्ट मेथड में, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या है और इस पर फोकस किस पर किया गया है और इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इन पर विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा डॉक्टर वेस्ट मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी रिपीट किया है कि डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांजिशन मेथड, इसको बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जुड़ेंगे आप तो आपको लगातार सभी वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी, जो भी रेगुलर आती हैं जिनका भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है तो उसको भी आपको मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस आती हैं वो मिस ना हो आपसे, और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप ये जो भी वीडियोस आपकी मिस हो गई हैं आपने नहीं देखा है यहाँ पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार ऐसे ही वीडियोस को देख करके लाभ ले सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।